महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन अभी तक विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सके हैं। महायुति के बीजेपी और शिवसेना ने सोमवार को 25 और 13 प्रत्याशियों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। महायुति ने अब तक 288 में से 279 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें से 125 पर बीजेपी, 80 पर शिवसेना, 49 पर अजीत पवार की एनसीपी चुनाव लड़ रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी में शामिल शरद गुट की एनसीपी ने सोमवार को 6 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी की। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने 102 और 85 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया है, जबकि शरद गुट की एनसीपी ने 83 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस तरह एमबीए ने अब तक 270 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसे अभी 18 और सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करना बाकी है। स्कूलों और फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब देश के बड़े मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के इस्कॉन मंदिर के कर्मचारियों को एक ईमेल मिला है, जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान के ISI से जुड़े आतंकवादी मंदिर को उड़ा देंगे। धमकी मिलते ही पुलिस और मंदिर प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ मंदिर में पहुंच गई और मंदिर के कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन मंदिर परिसर में कोई विस्फोटक नहीं मिला। इसके बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वालों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। इस्कॉन मंदिर की ही तरह उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लिहाजा यहां पर भी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी पुलिस को छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इनायत नगर के कुचेरा बाजार निवासी रफीक उर्फ शानू के कब्जे से लगभग 30 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिली है। इनमें सल्फर, गंधक, बारूद, सोडियम नाइट्रेट सहित अन्य ज्वलनशील पदार्थ होने की आशंका है। भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से पुलिस के भी होश उड़ गए। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोमवार की सुबह सेना के एम्बुलेंस पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकियों को सेना ने 5 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद ढेर कर दिया। सोमवार की सुबह 7:30 बजे के करीब भट्टेल इलाके में इन आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। एम्बुलेंस में उस समय ड्राइवर और एक शख्स बैठे थे। ये एम्बुलेंस केरी के सैन्य शिविर की ओर जा रही थी। एम्बुलेंस में सवार लोगों ने किसी तरह नीचे झुककर अपनी जान बचाई। आतंकी फायरिंग के बाद जंगल की ओर भाग गए, जिसके बाद सेना ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 5 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग के बाद सेना ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पिछली रात बॉर्डर पार करके अखनूर में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के एम्स में एक नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी मौजूद रहेंगे। ये नया केंद्र 1724 वर्ग फुट में फैला है और यहाँ 2047 से अधिक उच्च गुणवत्ता की जेनरिक दवाएं और 300 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। एम्स में इस जन औषधि केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाना है। दिवाली और छठ के चलते लोगों में अपने घर पहुंचने की होड़ मची हुई है। मुंबई, पुणे, सूरत, दिल्ली समेत कई शहरों से यूपी, बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ उमड़ रही है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ का आलम यह है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। हालात ये हैं कि अपने घर शहर तक जाने की फिराक में यात्री देर रात तक ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे की बद इंतजामी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। भीड़ को नियंत्रित करने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रेनों के अंदर का हाल तो और भी बुरा है। स्लीपर कोचों की हालत जनरल कोचों की तरह है। जनरल कोचों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। कोई यात्री गेट पर लटक कर तो कोई ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर 1500 से 2000 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहा है। दिवाली और छठ पूजा के लिए भारतीय रेलवे पुणे, मुंबई, गुजरात से बिहार जाने वाली 250 से ज्यादा ट्रेनें चला रही है। बावजूद इसके ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हो रही है।